बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे फंक्शन के बारे में, और टॉप पे आपको एक इक्वेशन नज़र आ रही है, वाई इज़ इक्वल टू एक्स के प्लस वन। यहाँ पे जो हमारे पास वाई होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और एक्स को हम इनडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम देते हैं। और ये फंक्शन असल में हमारे पास एक रिलेशन होता है टू वेरिएबल्स के दरमियान। अब रिलेशन को हम फंक्शन कब कह सकते हैं, अब यहाँ पे पॉइंट ये है, अगर हम इनडिपेंडेंट वेरिएबल यानी x की वैल्यू हम यूनिक पुट करते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y की वैल्यू भी हमें यूनिक मिलती है, तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये आपको एक फंक्शन नज़र आ रहा है, इसको हम फंक्शन का नाम देते हैं। एक MCQ याद रहे कि हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, लेकिन हर फंक्शन रिलेशन ज़रूर होता है। और नीचे आप देखें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। मैंने टॉप पर बात यह कही थी कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब एक्स की यूनिक वैल्यू पुट करते हैं, तो डिपेंडेंट वेरिएबल की भी यूनिक वैल्यू आनी चाहिए। अगर यूनिक वैल्यू आती है तो वो हमारे पास फंक्शन बन जाएगा, अगर यूनिक वैल्यू नहीं आती तो उसको हम फंक्शन नहीं कह सकते। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x आपको नज़र आ रहा है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने पुट एक्स इज इक्वल टू 2 कर दिया, तो 16 हमारे पास हो गया। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया, जब स्क्वायर ख़त्म किया तो यहाँ पे प्लस माइनस 4 आ गया। एक्स की वैल्यू यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू तो मैंने यूनिक पुट की थी, वो 2 पुट की थी, लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है उसकी वैल्यू मुझे 2 मिल रही हैं, प्लस माइनस में 4 मिल रहा है। तो यहाँ पे इस जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, इसको हम फंक्शन बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि एक आपने रूल सीखा है कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू यूनिक पुट करते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू भी यूनिक आनी चाहिए। उस तरह के रिलेशन को, उस तरह के जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशन बनेगा उसको हम फंक्शन का नाम देंगे। तो फंक्शन की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, कॉन्स्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन, और आइडेंटिटी फंक्शन होता है, रैशनल फंक्शन होता है। इसके अलावा कई और टाइप्स हैं, इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये हो गया जी हमारे पास फंक्शन। अच्छा, अब सीखते हैं इनवर्स फंक्शन के बारे में। लेट्स सपोज हमारे पास एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू बी है, तो अब हमें कहता है कि इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करो, या फिर इनवर्स फंक्शन क्या होता है। तो इससे हम पहले सीखेंगे कि इनवर्स फंक्शन होता हमारे पास क्या है। एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू बी लिखा, दोनों साइड पे मैंने एफ इनवर्स अप्लाई कर दिया। जब दोनों साइड पे एफ इनवर्स अप्लाई किया तो लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है एफ इनवर्स एफ ऑफ ए। तो एफ इनवर्स एफ आइडेंटिटी के इक्वल होता है, तो जब आइडेंटिटी ए के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आइडेंटिटी किसी को चेंज नहीं करती, वो एज इट आ जाता है, ए आ गया। और दूसरी साइड पे आप देखें एफ इनवर्स हमारे पास बी आ गया। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया एफ इनवर्स बी इज इक्वल टू ए। अच्छा जी, आज अब हम सीखते हैं इस इनवर्स फंक्शन की एक एग्जांपल, के वो कहता है कि फाइंड द इनवर्स फंक्शन। तो लेट्स सपोज हमने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3/2। इसका वो कहता है इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करें। ये 2018 में आया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो हमने लेट कर लिया जी वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और दोनों साइड पे एफ इनवर्स अप्लाई कर दिया तो एफ इनवर्स एफ आइडेंटिटी हो जाता है, तो वो हमारे पास एक्स आ गया और इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई आ गया। अब इस साइड पे देखें, लेफ्ट साइड पे आप देखें तो वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 3/2, यानी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, और वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने एक्स की वैल्यू नीचे फाइंड आउट कर ली, एक्स इज इक्वल टू 2y + 3/2, ये हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आप टॉप पे देखिए, हमने जो एक्स फाइंड आउट किया था एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, तो हमने ये फाइंड आउट किया था। तो अब एक्स की जगह पे हम क्या चीज़ पुट कर देंगे, एफ इनवर्स वाई पुट कर देंगे। यहाँ पे देखें एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2y + 3/2। अब ये जो गिवन फंक्शन हमें दिया वो एक्स की फॉर्म में दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 3/2, ये हमें एक्स की फॉर्म में दिया हुआ है इन टर्म ऑफ एक्स। लेकिन यहाँ पे जो आपको इनवर्स फंक्शन नज़र आ रहा है ये तो वाई की फॉर्म में है, वाई की टर्म में दिया हुआ है, एफ इनवर्स वाई इज़ इक्वल टू 2y + 3। अब हम क्या करेंगे, ये जो वाई है इसको रिप्लेस कर देंगे एक्स के साथ। तो यहाँ पे देखें एफ इनवर्स एक्स इज़ इक्वल टू 2x + 3/2। तो इस तरह से हम इनवर्स फंक्शन किसी का भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं जी डोमेन ऑफ द फंक्शन के, फंक्शन की डोमेन क्या चीज़ होती है। लेट्स सपोज हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है और कहता है कि इस फंक्शन की हमें डोमेन फाइंड आउट करके दो। अब डोमेन क्या चीज़ होती है, डोमेन हमारे पास ये चीज़ होती है कि अगर आप x की वैल्यू ऐसी पुट करते हैं कि जहाँ पे ये जो f ऑफ x फंक्शन है ये आपका डिफाइंड हो जाए, अनडिफाइंड ना हो, x की ऐसी वैल्यू पुट करने से कि जिस पे ये फंक्शन हमारा डिफाइंड हो जाए, उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन। यानी वो जो वैल्यू है जो हम पुट कर सकते हैं और पुट करने के बाद हमारा फंक्शन डिफाइंड हो जाता है, उस वैल्यू को हम डोमेन ऑफ द फंक्शन कहेंगे। तो पहला फंक्शन आप चेक करें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो आप चेक करें कि आप रियल नंबर में जाएं, आप कोई ऐसा नंबर पुट करें, कोई भी अपनी मर्जी से अपना नंबर पुट कर सकते हैं, तो देखें पुट करने के बाद जो हमारा फंक्शन हो रहा होगा वो डिफाइंड हो रहा होगा, रियल वैल्यू में उसकी वैल्यू निकल रही होगी। तो इसीलिए इसकी मैंने डोमेन लिखी है डोमेन इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, कि रियल नंबर में से मैं कोई नंबर भी इस पे उठा के यहाँ पे पुट कर दूँ तो जो मेरा फंक्शन होगा वो डिफाइंड होगा, अनडिफाइंड नहीं होगा। तो ये सारे के सारे रियल नंबर इस फंक्शन की क्या बन जाएंगे, डोमेन बन जाएंगे। एक और फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस फोर। अब चेक करें कि इसकी जगह पे हम ऐसी वैल्यू पुट करें कि ये हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड हो जाए, अनडिफाइंड ना हो। यानी x की आपने ऐसी वैल्यू पुट करनी है, पुट करने के बाद हमारा फंक्शन डिफाइंड हो जाए, अनडिफाइंड ना हो। तो ये लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस फोर है, तो आप चेक करें, आप इसके डिनोमिनेटर पे चेक करें कि आप कैसी वैल्यू यहाँ पे x की पुट करें कि आपका फंक्शन डिफाइंड हो, अनडिफाइंड ना हो। तो चेक करें, सबसे पहले ये चेक करते हैं कि किस वैल्यू पे आके हमारा फंक्शन अनडिफाइंड होता है। तो अगर मैं डिनोमिनेटर में 2 पुट करता हूँ तो 2 का स्केयर 4 माइनस 4 तो ये तो 0 हो जाएगा, समथिंग ओवर 0 तो ये तो अनडिफाइंड होगा, ये तो फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। हमने तो सीखा कि हमने वो वैल्यू यहाँ पे पुट करनी जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा, और जो पुट वैल्यू हम पुट करेंगे वही वैल्यू इसकी डोमेन बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम 2 पुट करते हैं तो क्या होगा, हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा होगा। और इसी से हट के हम माइनस 2 भी पुट करके चेक करें रियल नंबर में से, तो हमारा जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो रहा होगा, डिफाइंड नहीं हो रहा होगा। तो इसीलिए मैंने इसकी डोमेन फिर क्या लिखी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, कि मैं सारे के सारे रियल नंबर को यहाँ पे पुट कर सकता हूँ एक्सेप्ट 2 एंड माइनस 2, क्योंकि 2 और जो माइनस 2 है वो इस फंक्शन को अनडिफाइंड कर रहे हैं, डिफाइंड नहीं कर रहे हैं। जितने भी हमारे पास रियल नंबर हैं वो सारे के सारे डिफाइंड हो रहे हैं सिवाय एक्सेप्ट 2 और माइनस 2 के। तो इस फंक्शन की हमारे पास डोमेन बन गई सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 एंड माइनस 2। अब लास्ट एग्जांपल की बात करते हैं, ये आप देखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स। अब हमने क्या करना है, इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है। अच्छा जी, हम एक्स की एक ऐसी वैल्यू पुट करें जिस पे हमारा फंक्शन डिफाइंड हो जाए, और वो वैल्यू इस फंक्शन की डोमेन नहीं बनेगी जहाँ पे अनडिफाइंड होता है। तो आप रियल नंबर में जाएं, चेक करें कि हम कैसी वैल्यू पुट करें जहाँ पे हमारा फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। तो अनडिफाइंड हमारा फंक्शन 0 पे हो रहा है, ठीक है, डिफाइंड इसके अलावा सारे के सारे जितने रियल नंबर हो गए वहाँ पे हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा, सिर्फ जस्ट 0 पे आके हमारा फंक्शन अनडिफाइंड होगा। तो अगर इस पे आके हमारा फंक्शन अनडिफाइंड होता है तो इसको हम फंक्शन की डोमेन नहीं कह सकते, ये फंक्शन की डोमेन नहीं होगी। तो हमने इसको कैसे लिखा, रियल माइनस सेट ऑफ 0, कि 0 को हमने निकाल देना है, बाकी ये सारे के सारे इसके डोमेन बन जाएंगे। तो अगर इसको इंटरवल फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे आप रियल नंबर सबसे पहले सीखते हैं, रियल नंबर इज इक्वल टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिट से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिट तक। ओपन इंटरवल का मतलब होता है यहाँ पे कि यहाँ पे माइनस इन्फिनिट भी इन्वॉल्व नहीं होगा, और माइनस इन्फिनिट के अलावा पॉजिटिव इन्फिनिट भी यहाँ पे हम काउंट नहीं करेंगे। मतलब माइनस इन्फिनिट और पॉजिटिव इन्फिनिट के अलावा आप सारे नंबर पुट कर सकते हैं, ये रियल यहाँ पे ओपन इंटरवल का ये मतलब है। तो यहाँ पे चेक करें, अगर रियल नंबर हमारे पास है माइनस सेट ऑफ 0 है, तो क्या करता हूँ, रियल नंबर की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी माइनस इन्फिनिट से, हमारे पास इन्फिनिट है माइनस सेट ऑफ 0। अब हमने क्या करना है, ये रियल लाइन की नंबर लाइन है,
इसमें यह है कि माइनस इन्फिनिट भी हमने यहाँ पे नहीं बनाना इनपुट करना, और जो ज़ीरो है वो भी पुट नहीं करना। इनके अलावा सारी की सारी जो इनके सेंटर में वैल्यू आती हैं वो हम यहाँ पे इस फंक्शन में पुट कर सकते हैं, और हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड हो सकता है। तो यहाँ पे चेक करें, मैंने यही लिखा है कि माइनस इन्फिनिट से ज़ीरो तक ओपन इंटरवल, यानी ओपन इंटरवल का मतलब यहाँ पर ये है, ये जो आपको स्मॉल ब्रैकेट्स नज़र आ रहे हैं इनका मतलब ओपन इंटरवल के माइनस इन्फिनिट और ज़ीरो यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, ये आप पुट नहीं कर सकते। आगे यूनियन जीरो से लेकर इन्फिनिट तक, यहाँ पे चेक करें माइनस इन्फिनिट से लेकर ज़ीरो तक, ये माइनस इन्फिनिट और ज़ीरो यहाँ पे हम नहीं पुट कर सकते। इनके सेंटर में जितनी भी वैल्यू आएंगी वो सारी की सारी हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ यूनियन ज़ीरो से इन्फिनिट तक, और ये जो ज़ीरो है और आगे इन्फिनिट है ये भी आप नहीं पुट कर सकते। इनके सेंटर में जितनी वैल्यू आती हैं वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और आपका फंक्शन वहाँ पे डिफाइंड आ सकता है। तो हमने इसकी डोमेन क्या निकाल ली, आर रियल नंबर आर माइनस, आप ये भी वैल्यू लिख सकते हैं और आप ये भी लिख सकते हैं डोमेन, आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। ये भी डोमेन ठीक है, यहाँ तक आप स्टॉप कर दें ये भी ठीक है, और अगर ये भी करना हो तो ये भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा कंसेप्ट था डोमेन के ऊपर, डोमेन ऑफ द फंक्शन।